सब तरह की खीर खा खा के थक गए हैं, तो इस ईद पर बनाइए बहुत ही ज़बरदस्त सी बादामी खीर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी बादामी खीर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी बादामी खीर बन के तैयार हो गई है। इस ईद पर ज़रूर आपने बनानी है ये वाली खीर, आपको मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ज़बरदस्त सी बादामी खीर की रेसिपी। अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही जबरदस्त सी बादाम वाली खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इस खीर को बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे की बनती है। तो देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क 2 लीटर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। दूध हमारा गर्म हो रहा है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 कप चीनी। 1/2 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए 1/2 कप मैंने चावल लिए थे बासमती राइस, इनको मैंने 2 से 3 घंटे अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। अभी मैंने हाथ की मदद से इनको अच्छी तरह चूरा कर लिया है। कच्चे चावल 1/2 कप, बासमती राइस ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे, मिक्स करते हैं। बस आपने अभी इसके अंदर 2 चीज़ें शामिल करनी है, चावल और चीनी। बादाम इसके अंदर चॉपर है हम बाद में शामिल करेंगे जब हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। कुछ नहीं करना, आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको चलाते जाना है। इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट बाद बहुत ही ज़बरदस्त सी आपकी खीर तैयार हो जाएगी। आपने इसको ऊपर से कवर नहीं करना, ना ही आपने फ्लेम इसकी हाई करनी है, ठीक है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम और इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 40 से 45 मिनट बाद। ये देखिए अब बादामी खीर हमारी पक रही है दूसरी तरफ। तो अब जो हमने उसके अंदर बादाम शामिल करने हैं उनको चोपराइज कर लेते हैं। तो देखिए चोपर के अंदर शामिल कर देंगे 1 कप, 1 कप बादाम शामिल कर दिए चोपर के अंदर। अब इसको बंद करते हैं और अच्छी तरह चोपराइज कर लेंगे। अच्छी तरह चोपराइज कर लिया है, ये देखिए इसी तरह आपने बादाम को मोटा मोटा चोपराइज कर लेना है। अब इसको रख देते हैं दूसरी तरफ और खीर को पकने देते हैं। जी देखिए 40 से 45 मिनट हो गए हैं, हमारी खीर पक रही है। ये खीर तैयार होने की निशानी है, इसके ऊपर बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए फ्लेम इसकी बंद कर देते हैं, इसको इतने थिक रखेंगे। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1/2 कप मिल्क पाउडर, मैंने नीडो का किया है जो हमने चोपराइज करके रखे हुए थे। थोड़े से हम बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसको करते हैं मिक्स। ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी बादामी खीर बन के तैयार हो गई है। मिल्क पाउडर और बादाम शामिल करके मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं बादाम का एसेंस खुशबू के लिए 1 टीस्पून। अगर आपको नहीं मिलता तो आप स्किप कर सकते हैं। मिक्स करते हैं। खीर को हमने डिश आउट कर दी है, जो हमने बादाम बचा के रखे हुए थे उससे इसको गार्निश कर देंगे। खीर को हम जी देखिए बादामी खीर को हमने डिश आउट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारी बादामी खीर बन के तैयार हो गई है। ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बनाना खीर को बहुत ही आसान है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बादाम इसके अंदर आप कम भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 1 कप बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके पास 1 कप नहीं है तो 1/2 कप भी शामिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आज की रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया रेसिपी, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज़।